पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर हीटर। तो इस वीडियो में हम लोग सुपर हीटर के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि सुपर हीटर का क्या फंक्शन होता है, क्यों यूज किया जाता है पावर प्लांट में, और इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि सुपर हीटर का क्लासिफिकेशन ब्रॉड तरीके से समझेंगे, जितने भी क्लासिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे से ड्राइंग के साथ समझेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है सुपर हीटर को समझते हैं कि क्या होता है सुपर हीटर। तो देखिए, सुपर हीटर जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक क्या है सुपर और दूसरा क्या है हीटर। यानी हीटर वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज को हीट करते हैं। तो सुपर हीटर की अगर बात किया जाए तो सुपर हीटर इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए सेचुरेटेड स्टीम या ड्राई स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में। तो हमारा जो सुपर हीटर के अंदर क्या हुआ कि एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर सेचुरेटेड स्टीम या वेट स्टीम को हम लोग सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा बॉयलर ड्रम होता है वहां पे हमारा 50% में वाटर होता है और 50% में हमारा क्या होता है स्टीम मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब इस स्टीम जो ऊपर रहता है ड्रम के ऊपर वो क्या होता है, हमारा 50% ऊपर ड्रम के लेवल में जो रहता है वो हमारा सेचुरेटेड स्टीम रहता है, वेट स्टीम। कुछ परसेंट उसका मॉइस्चर रहता है, 2-3% मॉइस्चर रिमेनिंग रह जाता है। उस मॉइस्चर को 2-3% जो भी मॉइस्चर रिमेनिंग है ड्रम के अंदर उसको हम क्या करेंगे, सुपर हीट करेंगे, उसका मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं सुपर हीटर। तो सुपर हीटर इस डायग्राम्स के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे कि एक कॉयल होता है जिसके थ्रू हमारा ये जो सेचुरेटेड स्टीम है उसके थ्रू हम लोग पास कराते हैं, और पास कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से हमारा जाता है फ्लू गैस। जो भी हमारा फ्लू गैस इसको क्रॉस करेगा और फ्लू गैस इसके थ्रू होते हुए यहां से एग्जिट हो जाएगा। तो फ्लू गैस के अंदर क्या होता है हीट, वो हीट क्या करेगा, जो ये सेचुरेटेड स्टीम है जो भी कुछ मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पे कुछ जो फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 560 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पे 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी यहां पे कुछ भी एजम कर सकते हैं आप, 600 बोल सकते हैं, 700, जो भी ये फ्लू गैस का टेम्परेचर है यहां पे ड्रॉप करेगा और जो हमारा सेचुरेटेड स्टीम जो है उसका टेम्परेचर राइज करेगा। रिज्यूम कीजिए कि अगर आपका यहाँ पे सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, वो नियरली 480, जितना भी आप हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारा सुपर हीटर के अंदर क्या हुआ कि फ्लू गैस के डक्ट के बीच में उसको प्लेस किया जाता है जिसके अंदर क्या होता है जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो सेचुरेटेड स्टीम है उसको सुपर हीट कर देगा, यानी जो भी रिमेनिंग मॉइस्चर है उसको एलिमिनेट कर देगा। ये जो प्रोसेस होता है एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है टेम्परेचर केवल दोनों तरफ राइज करेगा लेकिन प्रेशर अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे भी P1 रहेगा, यानी 64 अगर प्रेशर यहाँ पे है तो यहां पे भी जो हमारा मिलेगा वो 64 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों जगह प्रेशर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हम इसको सुपर हीटर के अंदर सुपर हीटिंग करते हैं। तो ये हुआ हमारा सुपर हीटर का मेन पॉइंट और इसका फंक्शन। अभी हम लोग इसका मटेरियल की अगर बात करेंगे तो सुपर हीटर का जो मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितना टेम्परेचर यहाँ पे हमको बढ़ाना है और कितना यूज करना है। तो देखिए अगर 650 डिग्री सेल्सियस तक अगर सुपर हीटर का टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है इतना तक, तो उसके लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं क्रोमियम, मॉलीबिडेनम और निकेल। इस सब का एलॉय को हम लोग यूज करते हैं, क्रोमियम मॉलिबिडेनम हो सकता है, क्रोमियम निकेल हो सकता है, या जो भी है इसका एलॉय अगर यूज करके हम लोग क्या करते हैं सुपर हीटर का मटेरियल बनाते हैं जो कि इतना रेजिस्ट करने के लिए वो कैपेबल होता है। एक हमारा सुपर हीटर कहीं कहीं देखने को मिलेगा लो कार्बन स्टील।
लो कार्बन स्टील जैसे ये जो मटेरियल यूज होता है वो लो टेम्परेचर सुपर हीटर के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमको 427 डिग्री सेल्सियस से कम सुपर हीटर का टेम्परेचर मेंटेन करना हो वहाँ पे हम लोग ये वाला लो टेम्परेचर लो कार्बन स्टील यूज करते हैं। अगर जहाँ हमारा इतना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना हो वहाँ पे क्रोमियम मोलिब्डेनम और निकेल का एलॉय का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो इसका कंपोजिशन जो है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका कंपोजिशन जो है वेरी करेगा। अभी हम लोग इसका सुपर हीटर लगाने से क्या फायदा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका एडवांटेज क्या हुआ। तो देखिए जो हमारा ये सैचुरेटेड स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम के अंदर हीट कंटेंट क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली हमारा ये सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी जो होगा वो ज्यादा होगा और इसका एंथैल्पी जो होगा कम होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट कंटेंट कम है, इसके अंदर हीट कंटेंट ज्यादा है। तो ज्यादा एंथैल्पी का मतलब कि यह कम स्टीम में ही उतना पावर जनरेट कर देगा और उतना ही पावर जनरेट करने के लिए इसको क्या होगा, स्टीम का क्वांटिटी ज्यादा लगेगा। तो इससे ये चीज पता चलता है कि अगर आप सुपर हीटर लगा रहे हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा, 10-12% हमारा जो वाटर का कंजप्शन है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा अगर आप सुपर हीटर लगा रहे हैं तो। उसके बाद जब इतना हमारा वाटर कंजप्शन रिड्यूस हो गया, इसका एंथैल्पी हमारा ज्यादा हो गया और इसका कम हो गया, तो हमको इसको लगाने से एंथैल्पी ज्यादा हो गया, यानी हम जो हमारा फ्लू गैस जा रहा है उसका हीट क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। तो उससे एक चीज हमको ओवरऑल कैलकुलेशन में पता चलता है कि इससे हमारा 10% से लेकर 15% जो फ्यूल का कंजप्शन जो है कंजप्शन वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, फ्यूल कंजप्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा हमारा 10-15%। जब फ्यूल कंजप्शन हमारा रिड्यूस होगा और हमारा वाटर कंजप्शन भी हमारा इतना रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे एक चीज हमको देखने को मिलता है कि जो सुपर हीटर के अंदर अगर 5 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे, 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे, तो हमारा जो स्टीम बनाने का इसमें जो कॉस्ट लगता है, सुपर हीट जो हमारा बॉयलर के अंदर स्टीम बनाने का जो कॉस्ट लगेगा वो 1% रिड्यूस हो जाता है। ये हमारा हो गया, यानी ये हमारा बच गया, ये भी बच गया। तो उसे यही चीज पता चलता है कि अगर हम 5 डिग्री केवल इसमें टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, 350 से 480 ला दिए, तो आप समझ लीजिए कि कितना हम लोग स्टीम का रिडक्शन किए। तो 1% हमारा स्टीम कॉस्ट जो है वो रिडक्शन हो गया। तो कितना हम स्टीम का कॉस्ट इसमें रिड्यूस कर लिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एडवांटेज हुआ, और भी बहुत सारे एडवांटेज है तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर हीटर को समझते हैं। तो देखिए पहला जो है हमारा वो है नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर, और दूसरा जो है हमारा वो है ड्रेनेबल सुपर हीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो सुपर हीटर का क्वाइल्स है, जो ट्यूब है, वो हमारा वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और इंक्लाइंड हो सकता है, कैसे भी उसको डिजाइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आप ये ज़ूम कीजिए कि जब भी अगर मान लीजिए हमारा प्लांट रनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लांट अगर शटडाउन हो गया तो ये ट्यूब के अंदर जो भी स्टीम है वो कंडेंस होकर क्या होगा, वाटर बन जाएगा, वाटर बन करके क्या होगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो कलेक्ट होने से इसको क्या बोलते हैं कि यहां पे जो भी वाटर है वो ड्रेन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इधर से हमारा जाता है, हमारा इधर से स्टीम का फ्लो होता है, सैचुरेटेड स्टीम यहां से इधर होता है, इनलेट हेडर से ऐसे जाएगा और आउटलेट हेडर से आउट होगा, और यहां से हमारा आता है फ्लू गैस। तो क्या होगा, इसके अंदर हीट का ट्रांसफर होगा और ये सैचुरेटेड स्टीम जो है आपका सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा। लेकिन जब भी अगर प्लांट बंद हो रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल क्या है, इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, रुक जाता है, कंडेंस होकर जमा हो जाता है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग जब हम लाइट अप करते हैं तो ये जो फ्लू गैस जो आ रहा है इधर आएगा, तो इसका क्या होगा, जो भी कंडेंसेट है वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो क्या होता है कि इसका जो इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके चलते बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो ये ट्यूब जो है वो फेलियर करने का चांसेस होता है, ट्यूब को ओवरहीट करेगा। इसीलिए हम कभी भी अगर चालू करते हैं प्लांट तो हमारा जो वेंट है उसको ओपन रहेगा, क्योंकि ये जो फ्लू गैस जो है वो हीट जब देगा तो जो भी कंडेंसेट इसके अंदर है ट्यूब्स के अंदर
वो हमारा रिलीज हो जाएगा। तो एक चीज ये होता है। और दूसरा देख लेंगे कि यहां पे मान लीजिए इनलेट हमारा होता है ड्रेनेबल। ड्रेनेबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे अगर इन हेडर है, यहां पे आउट हो रहा है, यहां से मान लीजिए आपका फ्लू गैस जा रहा है, तो हीट का ट्रांसफर किया अगर बंद भी हो गया तो क्या हो गया, ये जो है हमारा ऐसे करके ड्रेन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इसके अंदर नॉन ड्रेनेबल है, ये हमारा ड्रेनेबल सुपर हीटर है। सुपर हीटर के क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ फ्लू गैस एंड स्टीम। देखिए फ्लू गैस और स्टीम के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला जो है वो क्या है, काउंटर फ्लो सुपर हीटर। काउंटर फ्लो सुपर हीटर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्टीम का फ्लो हो रहा है और फ्लू गैस का फ्लो है वो दोनों एक अपोजिट रहेगा। जैसा कि इसके अंदर हमारा इधर से क्या जा रहा है, स्टीम जा रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, फ्लू गैस है। तो यह जो है वो सुपर हीटर क्या बोलेंगे, काउंटर फ्लो सुपर हीटर, यानी हमारा स्टीम जो है फ्लू गैस के अपोजिट में फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग काउंटर फ्लो सुपर हीटर। अगर इसी को, अगर जो हमारा आउटलेट हीटर इधर है उसको हम इधर कर दें और इनलेट को यहां पर इन कर दें, यहां पर आउट कर दें, तो क्या होगा, ये जो हमारा फ्लो था वो इधर ना होके इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहां से इन करेगा अब और आउट हमारा इधर से करेगा, और फ्लू गैस अभी भी हमारा क्या आ रहा है, इसी साइड आ रहा है, यानी यहां पे देखेंगे तो फ्लू गैस इसके क्या हुआ, पैरेलल हो गया। तो इस टाइप के फ्लो को क्या बोलेंगे, पैरेलल फ्लो सुपर हीटर। इस टाइप के फ्लो को क्या बोलेंगे, पैरेलल सुपर हीटर। और तीसरा जो है वो है मिक्स्ड फ्लो सुपर हीटर। इससे क्या समझते हैं, तो देखिए यहां पे एक डायग्राम बनाया हूं जिसके अंदर मान लीजिए यहां पे इन हेडर है और ये हमारा क्या हो गया, आउट हेडर है, और यहां से हमारा क्या हो गया, फ्लू गैस का इन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से स्टीम हमारा कैसे करेगा, सबसे पहले हमारा इधर आएगा स्टीम, और यहां से आके फिर हमारा ऐसे जाएगा और फिर हमारा ऐसे हो जाएगा। तो देखेंगे कि कुछ दूर यह क्या कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है स्टीम, और कुछ टाइम हमारा इधर कर रहा है, यानी कभी हमारा फ्लू गैस के पैरेलल हो जा रहा है और कभी क्या हो जा रहा है, हमारा इसको अपोज कर दिया, यानी हमारा काउंटर हो जा रहा है। तो इस फ्लो को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो सुपर हीटर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो देखिए हीट ट्रांसफर मेनली कितने टाइप का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो देखिए इसमें क्या, मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहां पे हमारा बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है, कंबस्चन हो रहा है, ठीक है, ये हमारा कंबस्चन एरिया है, और कंबस्चन के जस्ट इस सेक्शन में हमारा होता है रेडिएशन, और यहां पे होता है रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन, ये हमारा जोन होता है कन्वेक्शन, और ये हमारा पूरा कन्वेक्शन जोन होता है। तो रेडिएशन जोन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो हीट का ट्रांसफर जो होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे हम सन का रे हमारे बॉडी को कैसे हीटअप करता है, तो वो किसके मीडियम से करता है, वो रेडिएशन के थ्रू करता है। ऐसा नहीं कि सन आके हमको टच कर रहा है हम हीट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके प्रभाव जो, उसके वेव के जो हमारा रेडिएशन है उसके अंदर हीट जो है उससे हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर आता है, जो भी होता है राइज करता है, हमको गर्म महसूस होता है। तो वो जो ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। तो रेडिएशन को एक तरह से बॉयलर इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेडिएशन जोन को, कि ऐसा स्पेस जहां से हम खड़ा होके, जहां से हम फ्लेम को देख सकते हैं, बॉडी बॉयलर के अंदर जो कंबस्शन हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए कंबस्शन हो रहा है, आप यहां पे खड़ा हो तो इसको देख सकते हैं कि हमारा फ्लेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन से देखेंगे तो हमारा क्या दिखेगा, फ्लेम नहीं दिखेगा। तो एक बेसिक ये थिंग है समझने के लिए। तो कन्वेक्शन जोन वो जोन है जहां से हम लोग बॉयलर के अंदर जो कंबस्शन हो रहा है उसको नहीं देख सकते, रेडिएशन को समझने के लिए वो जोन जहां से हम कंबस्शन को देख सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने ये रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन लिखा, देखिए ये कॉर्नर से अगर आप देखेंगे तो यहां तक हमारा क्या है, रेडिएशन है, बट ये जो मैंने कॉर्नर जो बना दिया है यहां पे ये कन्वेक्शन मेथड में आ गया, तो इन दोनों में अगर रहेगा तो ये कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों सेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सुपर हीटर है वो क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा सुपर हीटर इस जोन में है
तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर, यानी यहाँ पे हम अगर क्वाइल को ऐसे पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव सुपर हीटर होगा। वही अगर रेडिएंट सुपर हीटर की बात करें तो ये जो हमारा सुपर हीटर है वो इस जोन में रहेगा, यानी यहाँ से लेके अगर इस ये पैरेलल लाइन देख रहे हैं यहाँ के बीच में कहीं पे भी रहेगा तो ये क्या होगा, हमारा रेडिएंट सुपर हीटर होगा यानी रेडिएशन जोन। और ये तीसरा जो है हमारा कंबाइंड टाइप सुपर हीटर, यानी जिसमें दोनों हो, रेडिएशन भी हो कन्वेक्शन भी हो। तो या ये जो सुपर हीटर है यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारा दोनों आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो हीट ट्रांसफर के मोड के अकॉर्डिंग हमारा रेडिएंट सुपर हीटर हो गया, यहाँ पे कंबाइंड टाइप हो गया, ये हमारा कन्वेक्शन टाइप सुपर हीटर हो गया। तो हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा फ्लू गैस जाता है ऐसे करके, फिर हमारा ऐसे इन हो जाता है, आउट हो जाता है। तो देखिए कन्वेक्शन में क्या हुआ, फ्लू गैस डायरेक्ट उसको टच कर रहा है, हमारा ट्यूब्स को डायरेक्ट टच करके हीट का ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, उसके प्रभाव, उसके रेडिएशन के थ्रू हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये चीज़ हो गया। और इसमें कंबाइंड में क्या होगा, वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है भी हो रहा है और उसको टच करके भी हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू भी हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सुपर हीटर का वो है अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ ट्यूब। जो हमारा ट्यूब है, ये जो सुपर हीटर का ट्यूब है उसका डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहला है वो है पेंडेंट ट्यूब सुपर हीटर और दूसरा जो होता है वो प्लैटेन टाइप सुपर हीटर। तो देखिए प्लैटेन टाइप सुपर हीटर में एक वर्ड आपको मिलेगा, प्लेट, ठीक है। तो जो हमारा ट्यूब है वो लाइक अपियरिंग एक प्लेट होगा, उसको क्लोजली ट्यूब पैक को ऐसा पैक करेंगे कि वो लाइक प्लेट दिखेगा। तो जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, यहां से ऐसे करके ऐसे जा रहा है, मतलब एक प्लेट टाइप का उसको क्लोजली पैक करते हैं, जो कि हमारा एक प्लेट टाइप का दिखता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैटेन सुपर हीटर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लैटेन सुपर हीटर, एक प्लेट टाइप का दिखेगा। यह क्या होता है कि जैसे देखिए ये हमारा जैसे एक ये ट्यूब का अरेंज दिखाया है, सबका पैरेलल दिखा रहे हैं, ये जैसे ऐसे दिखा रहा है ऐसे बहुत सारा ट्यूब लगा रहता है, एक ये हो गया, इसके बाद एक और लगा देंगे उसमें भी इस टाइप का दिखेगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों का बीच का गैप वो हम लोग रखते हैं 600 mm टू 1000 mm का गैप रखते हैं। इसको रखने से क्या होता है, जो भी हमारा एस डिपोजिशन का चांसेस नहीं होता है। तो ये चीज हो गया हमारा प्लैटेन सुपर हीटर। तो प्लैटेन सुपर हीटर का अगर पोजीशन की बात किया जाए तो आपको यहां पे दिखेगा रेडिएशन जोन में, ये जो पूरा जोन है रेडिएशन जोन में आपको प्लैटेन सुपर हीटर दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू इसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होता है। तो क्या देखने को मिलता है, जब रेडिएशन सुपर हीटर में, रेडिएंट सुपर हीटर में एक करैक्टरिस्टिक्स होता है कि अगर आप टेम्परेचर, जो भी हमारा स्टीम का टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है जब हम स्टीम का फ्लो अगर बढ़ाएंगे तो हमारा स्टीम का टेम्परेचर जो होगा डाउन होगा, ये इसका करैक्टरिस्टिक्स है। और ये इसके बारे में हम डिटेल से कभी बात करेंगे। और जो ये वाला हमारा जो ट्यूब दिखाया पेंडेंट, पेंडेंट में क्या होगा, एक क्वाइल लूप में बना है, ये देखिए यहाँ पे मल्टी लूप लगा हुआ है। तो जहां पे भी लूप दिखे तो वहां पे आप समझ लीजिए कि जो सुपर हीटर है वो हमारा क्या है, पेंडेंट सुपर हीटर है। तो ये जो सुपर हीटर मेनली देखने को मिलता है वो हमारा कन्वेक्शन जोन में होता है। तो कन्वेक्शन जोन में जो हीट ट्रांसफर का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे इसमें स्टीम फ्लो हम बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे ही इसमें स्टीम टेम्परेचर, अगर स्टीम फ्लो बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, एक का डाउनवर्ड हो गया और एक का अपवर्ड हो गया। तो जो हमारा एग्रीगेट टेम्परेचर, जो स्टीम टेम्परेचर मिलता है वो इस फ्लो में मिलता है। तो ये हमारा टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम लोग इसको देखने को मिलता है, इसके बारे में हम कभी डिटेल से बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा डिजाइन, ट्यूब के डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर ये प्लेट टाइप का दिखेगा तो समझ लीजिए प्लैटेन सुपर हीटर हो गया, पेंडेंट यानी क्वाइल टाइप का दिखेगा, जो भी मल्टी क्वाइल लगा रहेगा तो उसको पेंडेंट सुपर हीटर बोलेंगे। बहुत सारे दोस्तों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि किसको प्लैटेन बोलते हैं किसको पेंडेंट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। और भी सुपर हीटर है जो कि बने होते हैं, जैसे हमारा पोजिशन, ये हमारा जो सुपर हीटर का प्लेस है उसके पोजिशन के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए बॉयलर के अंदर जो इस सेक्शन में रखा हुआ है तो उसको इंटरनल सुपर हीटर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल सुपर हीटर, जो हमारा बॉयलर के इनसाइड में रहेगा। और आउटसाइड में रहेगा उसको क्या बोलते हैं,
एक्सटर्नल बोल सकते हैं या उसको बोलते हैं सेपरेट सुपर हीटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सेपरेट सुपर हीटर, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट व्यवस्था करेंगे। वहां पे हम एक एलडीओ का लाइट अप करके लाइन रखेंगे जहां पे उसका हीट अलग से जनरेट करेंगे, और जो यहां से हमारा सेचुरेटेड स्टीम मिलेगा उसको यहां पे जो सुपर हीटर रखे रहेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां से इन करा के यहां से आउट करा के जो भी फर्दर यूज करने के लिए हम लोग देंगे। यहां पे हम एक कंबसन का प्रोसेस अलग से रखेंगे। तो इस टाइप का जो सुपर हीटर है, सेपरेट सुपर हीटर, ये एलिमिनेट है, बहुत पहले हुआ करता था लेकिन आजकल ये चीज एलिमिनेट हो गया है। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट सुपर हीटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।